Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास Realme का C55 है और चाहते हैं आप इस फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग को करना, तो इस वीडियो में आज आपको बताएंगे कैसे इस फोन में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए आपका जो कंट्रोल पैनल है कुछ इस तरह से आपको वो ओपन करना होगा। यहाँ स्क्रॉल करने पे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। जब साइड करेंगे तो यहाँ आपको स्क्रीन रिकॉर्डर नजर आएगा। अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करके आप एडिट टाइटल पर जाइए। यहाँ से आपको मोर कंट्रोल मिलेंगे, यहाँ से ऐड कर सकते हैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डर को। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन रिकॉर्डर, इसकी कुछ सेटिंग भी कर सकते हैं। सेटिंग करने के लिए इसके ऊपर आपको टैप एंड होल्ड कीजिए। टैप एंड होल्ड करेंगे जब आप इसके ऊपर, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि रिकॉर्ड सिस्टम साउंड का, ये ऑन रहेगा तो फोन के अंदर जब भी आप कुछ चलाएंगे और वो आप रिकॉर्ड करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो जाता है। अगर आप चाहते हैं जो आप बोल रहे हैं वो भी रिकॉर्ड होना चाहिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग होते समय, तो आप इस फीचर को ऑन कीजिए और ओके कीजिए। अब आप जो बोलेंगे वो भी रिकॉर्ड होगा, फोन में चलेगा वो भी रिकॉर्ड होगा। तो इस तरह से दोनों ऑडियो को एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ डेफिनेशन का एक ऑप्शन नजर आता है आपको, जब इस पर क्लिक करते हैं तो आप वीडियो क्वालिटी क्या रिकॉर्ड करना चाहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, उसको आप सेट कर सकते हैं। तो हाई, मीडियम एंड लो, तीन ऑप्शन मिलेंगे, तीनों में से अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। बैक बटन को प्रेस करने पे, स्क्रॉल करने पे कुछ और भी फीचर मिलेंगे जैसे कि शो स्क्रीन टचेस। इसको ऑन रखेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होते समय जहां जहां आपने टैप किया होगा वो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख पाएंगे। तो इस फीचर को आप यहां से इस तरह से ऑन करके देख सकते हैं। इसके अलावा अब आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है इस फोन में, तो आपने कंट्रोल पैनल कुछ इस तरह से ओपन कीजिए, साइड कीजिए, स्क्रीन रिकॉर्डर पर क्लिक कीजिए। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ये आपकी देखने को मतलब मिलेंगी, तो आपको ये यहाँ पे अलाउ करनी है। सभी कंडीशन को अलाउ करके आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डर नजर आ जाएगा। आपको इस रेड के आइकन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। इसके आप बीच में से ऑडियो को स्विच कर सकते हैं, मतलब चाहते किसी टाइम आपकी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए तो इस आइकन पर क्लिक करके आप यहाँ बीच में से बाद में बंद भी कर सकते हैं। इसको कहीं भी आप इस तरह से मूव करा सकते हैं, चाहे तो जहां भी रखना चाहे इसको रख सकते हैं। सेव करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। बीच में से ही वीडियो को पुश भी कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस फोन में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।